सुप्रभात बच्चों, आज आप लोग का अगला पाठ है 6.2 प्लास्टिक, कल का खतरा आज ही जागे, जिसके लेखक हैं सुदीप्त घोष। इन्होंने आज प्रदूषण प्लास्टिक के बारे में इन्होंने बताया है। इस पे सबसे पहले देखते हैं इधर। प्रशांत महासागर की गहराइयों में कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जा सकता है। इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, प्रशांत कचरा पट्टी नाम दिया गया है। माना जाता है कि इसका आकार भारत से 4 गुना बड़ा है। इसमें पूरा कूड़ा करकट ही भरा है। मतलब देखो क्या बोल रहे हैं, भारत आकार में भारत से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, जिसमें पूरा कूड़ा करकट ही भरा हुआ है। जिसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का ही कचरा भरा हुआ है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक कुछ भी खाते हैं उधर उधर फेंक देते हैं, है ना। या प्लास्टिक हम लोग इधर उधर क्या करते हैं, ज़मीन पर फेंक देते हैं, और यह हवा और बारिश की वजह से क्या जाता है, नालियों में जाता है, नालियों से नदियों में जाता है, और नदियों से होते हुए क्या होता है, महासागर में मिल जाता है। और महासागर क्या करता है, उन्हीं लहरों से निकाल कर उन्हें क्या करता है, अपने किनारे अपने समुद्र तट में क्या करता है, उसको फेंक देता है, है ना। इस तरह से क्या होता है, जितना कूड़ा करकट है वह क्या है, उसकी एक समुद्र के तट पर उसकी एक कचरे की पट्टी एक जमा हो जाती है। वर्तमान में क्या है, प्रदूषण की समस्या को गतिमान बनाने में प्लास्टिक क्या है, एक अहम भूमिका निभाता है। उसका एक अलग ही योगदान है ना, प्लास्टिक का अपना योगदान है उसका। प्लास्टिक का इतना अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए भविष्य का एक बड़ा खतरा है। प्लास्टिक ही क्या है, वह बहुत ही बड़ा खतरा है ना। प्लास्टिक, जिसे 20वीं सदी में चमत्कारिक पदार्थ की उपाधि से नवाजा गया था, अब हमारी आधुनिक सभ्यता से निष्ठुर चेहरे के रूप में उभर रहा है। इसके जैसे लचकदार पदार्थ प्रकृति में और कोई नहीं है। यह टिकाऊ है, वाटरप्रूफ है, और बहुत हल्का व सस्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। हर दिन इसमें नए नए गुण जोड़े जा रहे हैं, जिससे प्लास्टिक की उपयोगिता क्या है, और भी बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक के इन्हीं फायदों की वजह से अब यह सेहत और पर्यावरण के लिए क्या होता है, घातक बनते जा रहा है। प्लास्टिक को प्रकृति में अब घटित नहीं किया जा सकता है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रकृति के में क्या है, नष्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं प्लास्टिक को। प्लास्टिक एक ऐसा है जो अघुलनशील है, ठीक है। इसलिए अब तक हमने जो भी प्लास्टिक निर्मित किया है, उसका प्रत्येक अणु कहीं ना कहीं पर्यावरण में मौजूद है, और आने वाले सैकड़ों सालों तक यह वैसा कहीं वैसा रहेगा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं सुदीप्त घोष जी। मन चाहा आकार देकर उसे ठोस रूप में परिवर्तित किया जा सके, ऐसे पदार्थ की चाहत ने ही मनुष्य को प्रकृति में उपस्थित प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया है। लेकिन बढ़ती मांग की पूर्ति यह प्राकृतिक प्लास्टिक नहीं कर पाया, तो कृत्रिम प्लास्टिक के निर्माण की जरूरत महसूस हुई। आज अधिकांशतः कृत्रिम प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया हो जा रहा है ना। जैसे कि आप लोग दुकान से भी कुछ सामान लाएंगे, उसके लिए पॉलीथीन ले रहे हैं आप। आपको कुछ भी आज खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं, कुरकुरे लेस, ये भी क्या आ रही है, प्लास्टिक के माध्यम से आ रही है ना। यहाँ तक कि जो भी हम पेय पदार्थ पी रहे हैं या मार्केट से हम ले के आ रहे हैं, उसमें भी वो बॉटल भी प्लास्टिक का मिल रहा है। और क्या है, हम उसे नष्ट नहीं करते, वो हम लोग उसको ऐसे ही वैसे फेंक देते हैं, जो क्या होता है, अघुलनशील है और ना ही सड़ने गलने वाली चीज़ है। वो कहीं ना कहीं रूप में प्रकृति में अभी भी विद्यमान है ना, जो क्या हो रहा है, प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और क्या है, जिस तरह से वह मिट्टी में जा रहा है, तो मिट्टी से क्या है, बहुत सारी क्या है, गैसें निकल रही हैं, है ना, गैसें निकलते जा रही हैं। आज अधिकांशतः कृत्रिम प्लास्टिक का इस्तेमाल होता जा रहा है, जो कच्चे तेल, कोयले और अथवा प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है, ठीक है। आगे अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है सुदीप्त घोष जी का मानना है कि आखिर यह लोकप्रिय क्यों हुई, प्लास्टिक लोकप्रिय क्यों हुई, है ना। तो सुदीप्त घोष जी का मानना है कि प्लास्टिक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसके अनेक रूप हमारे घर परिवार के सदस्य बने हुए हैं। नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलिएस्टर के बिना हमारा जीवन क्या है, अधूरा
अधूरा सा प्रतीत होता है। आज हम प्लास्टिक को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बेजोड़ रूप में अपनाने लगे हैं। प्लास्टिक हमारे घर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही प्रयोग किया गया है। घर में किचन के अंदर अनेक वस्तुएं प्लास्टिक की है, प्लास्टिक की ही हमारे द्वारा उपयोग की जाती है। बाजार से लेकर घर तक प्लास्टिक की थैलियां ने अपने विशिष्ट स्थान बना लिया है। जहां हमें ग्रुप में दो चार लोग आते जाते दिखते हैं तो उनमें से एक या दो लोग अवश्य ही प्लास्टिक या पॉलीथीन की थैली हाथ में लिए हुए रहते हैं। इससे हमारे जीवन में असाधारण संबंध स्थापित कर लिया जाता है ना, जो कि बहुत ही बहुउपयोगी पदार्थ है, यहाँ पास बन गया है। जैसे कि कठोर प्लास्टिक है, कम वजनी प्लास्टिक है, पारदर्शी प्लास्टिक है, पारदर्शी प्लास्टिक होता है ना, ताप या बिजली का कुचालक है ना, ये सब होता है ना। तो ये सब क्या होता है कि इन्हीं विशेषताओं के कारण क्या है, प्लास्टिक बहुत बहुउपयोगी पदार्थ बन गया है। पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री और वस्त्र उद्योग में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। आज प्लास्टिक बड़ी तेजी से सभी पारंपरिक पदार्थों जैसे जूट, कॉटन, चमड़ा, पेपर और रबर का स्थान लेता जा रहा है। अधिकांश प्लास्टिक पेट्रो रसायन, खासकर तेल व प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं जो सस्ते होते हैं। प्लास्टिक उद्योग का काफ़ी मशीनीकरण हो चुका है और उनमें मानव श्रम का इस्तेमाल कम से कम होता है। इस वजह से भी प्लास्टिक सस्ता होता जा रहा है। जो क्या है, जो प्लास्टिक के सामान होते हैं वह क्या है, सस्ते दामों में बन जाते हैं। प्लास्टिक की समस्याएं, इस चमत्कारिक पदार्थ के साथ अनेक समस्याएं भी जुड़ी है, खासकर इसके जहरीले प्रभाव और पर्यावरणीय खतरों को लेकर सर्वत्र चिंता जताई जा रही है। सुधीर घोष जी का यहाँ पर मानना है कि जहरीला प्रभाव, विशुद्ध प्लास्टिक पानी में अघुलनशील और रासायनिक तौर पर क्या होता है, अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। इसलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में कम जहरीला होता है, लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए उनमें क्या होता है, विभिन्न तरह के जहरीले एडिक्टिव मिला जाते हैं। खाद्य पदार्थों, पानी आदि के प्लास्टिक के संपर्क में आने से ये जहरीले रसायन उसमें से बाहर आ सकते हैं, है ना। इसीलिए बोलते हैं जो प्लास्टिक में चीज़ें रहती है उसको बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए, है ना। ये बताता है पीवीसी को लचीला बनाने के लिए उसमें जो रसायन मिलाए जाते हैं उनके बारे में पाया गया कि वे हार्मोनल प्रक्रियाओं में बाधा पहुँचाते हैं और इस तरह कैंसर की आशंका पैदा करते हैं। शिशुओं की दूध की पारदर्शी बोतल जिस पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है उसमें बिस्फिनॉल ए BPA होता है जो हार्मोन में गड़बड़ियों के लिए जाना जाता है। इससे कैंसर, इंसुलिन में बाधा, जलन और दिल की बीमारियां हो सकती है। कुछ एडिक्टिव अनुवांशिकी क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप लोग देखेंगे कि अधिकतर जब हम लोग छोटे बच्चों की जब दवाई आती है या फिर कुछ भी दवाई आती है, सीरप आते हैं, है ना, कुछ भी टॉनिक आती है तो वह कांच की बोतल में अधिकतर पाई जाती है। आगे देखते हैं, दैनिक जीवन में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण जहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देश में सस्ता प्लास्टिक खासकर गरीब तबकों के बीच तेजी से पैड बनता जा रहा है। साथ ही इसके गलत इस्तेमाल से भी स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। जागरूकता की कमी और प्लास्टिक के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार प्लास्टिक को अन्य कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है। प्लास्टिक को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ऑक्सीन और यूरान जैसी जहरीली गैसें हवा में फैल जाती है, वातावरण को क्या करती है और दूषित करती है। डाइऑक्सीन और यूरान से कैंसर व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस तरह यह गैसें काफ़ी खतरनाक होती है। आगे देखते हैं पर्यावरणीय खतरे। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लगातार घातक साबित हो रहा है, आप लोग को भी पता है। अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बना जाता है। जिन तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है उसमें ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में उत्पादित कुल कच्चे तेल में से 8% का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के निर्माण के दौरान भी बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन उत्सर्जित होते हैं। विश्व में प्लास्टिक की खपत करीब 20 करोड़ टन है।
20 करेट टोन है और यह 5% की सालाना दर से बढ़ रही है। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और अंत में वे कचरे के ढेर में फेंक दिए जाते हैं। वे नालियों और ड्रेनेज सिस्टम को अवरुद्ध करती है। इसी का नतीजा होता है कि बारिश में अनेकों शहर में बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा है। प्लास्टिक अनेक पशुओं की आंतों में पाया जाता है जिसमें वे बेमौत मारे जाते हैं। गाय, बकरी, हिरण आदि में अक्सर ऐसा पाया जाता है। इसलिए प्लास्टिक को बीच में अभी क्या कहता था, क्या बैन कर दिया गया था, है ना। और आगे क्या कहते हैं, पानी के बहते, हवा में उड़ते और सूरज के ताप के असर से प्लास्टिक समय के साथ बहुत ही सूक्ष्म कणों में बढ़ जाता है। वह सड़ के कैसे टूट जाता है, लेकिन क्या होता है, पूरा गलता नहीं है, वो पूरा खत्म नहीं होता है, उसके कण क्या होता है, छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। ये सूक्ष्म कण पलवक और अन्य छोटे जीवों में पहुंच जाते हैं, इन्हें बड़े जीव निगल जाते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जाता है कि प्लास्टिक हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल होते जा रहे हैं, जिससे बहुत ही घातक और दूरगामी परिणाम होंगे इसके। ठीक है, अब समस्या यहाँ पर तो उत्पन्न हो गई है कि प्लास्टिक की इस तरह प्लास्टिक आता है, हम उसका किस तरह से उपयोग करते हैं, वह किस तरह हम उसको पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है ना। तो इस समस्या का समाधान भी है, आगे देखते हैं। इस पैराग्राफ में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या है, प्लास्टिक की जो हम अंधाधुंध हम जो उसका उपयोग कर रहे हैं, उस इस्तेमाल को क्या करना चाहिए, उस उपयोग को करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ प्लास्टिक वाकई में बहुत जरूरी होता है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, जहाँ क्या होता है, प्लास्टिक के डिस्पोजल, सीरीज, कैथेटर, कृत्रिम कॉर्निया, श्रवण यंत्र और कैप्सूल के आवरण बनाए जाते हैं, है ना। इनके लिए कोई ऐसा विकल्प पदार्थ है ही नहीं जो प्लास्टिक जितना ही सस्ता और प्रभावी हो। लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्लास्टिक के इस्तेमाल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कुल खपत का 35% प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है ना। जितने भी हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, ये जो पैकेजिंग वाले जो खाद्य खाते हैं, लेस, कुरकुरे, चिप्स विप्स हैं, दुनिया भर के जितने भी आते हैं, मिक्सचर, सब क्या होते हैं, प्लास्टिक के पैकेजिंग में आते हैं। इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शैम्पू के शेषे, छोटे पैकेट दाल, चावल, बिस्किट और अन्य पदार्थों के खुदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है। इसे पूरी तरह से टाला जा सकता है। इसके लिए हमें पारंपरिक पैकेज सामग्री से जूट, कपड़ा, कॉटन आदि को फिर से चलन में लाने की ज़रूरत है ना। अभी फ़िलहाल इस युग में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वह फिर से हमारे ही उद्योगों को, हमारे ही प्राकृतिक संपदा को क्या है, संसाधन को क्या है, हमारी प्राकृतिक संसाधन को क्या है, उपयोग में लाने के लिए वह जता रहे हैं, है ना। और हमें प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि हम सिर्फ अपने ही जो संसाधन है, हमारे आसपास में जो भी संसाधन है, हम उसका ही उपयोग करके अपने जरूरतों को पूरा कर सकें। उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि पौधों के अर्क में ऐसे प्लास्टिक के विकास पर काफ़ी अनुसंधान किया जा रहा है जो जैव अवघटन योग्य हो। इस तरह के कुछ प्लास्टिक पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं। जैव अवघटन योग्य प्लास्टिक मौजूदा कृत्रिम प्लास्टिक को अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि अभी यह अपेक्षाकृत महंगा है। इसके अलावा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी एक विकल्प है ना। रिसाइकलिंग का मतलब उसको गला कर फिर एक क्या है, उसको नए साँचे, नए आकार में उसको परिवर्तित करना, ये रिसाइकलिंग है। पेट्रोल रसायन के दामों में लगातार वृद्धि के चलते नए प्लास्टिक का उत्पादन महंगा होता जाएगा। ऐसे में भविष्य में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की बड़ी भूमिका होगी। छटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्लास्टिक में मिलाई जाने वाली एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उनके मिश्रण के तरीकों के कारण भी कई बार वे रिसाइकलिंग के लायक नहीं रहते हैं। उदाहरण के लिए पेय पदार्थों, दूध और तेल की पैकेजिंग में होने वाले ट्रेटा पैक में पतली पॉलीथीन के साथ पेपर बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इससे उसका रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा किसी प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके प्लास्टिक की कुर्सियाँ ही बनाई जा सकती है, दोबारा बोतल नहीं बनाई जा सकती है। और इससे भी बदतर, रिसाइकलिंग किए गए प्लास्टिक
से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन्हें फिर से रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण समाधान तो यह है कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, वही करना चाहिए जहां वाकई इसके बगैर काम नहीं चल सकता है। अगर हमारे पदार्थ कम दूरी तय करेंगे तो उसकी पैकेजिंग की ज़रूरत भी कम होगी। ऐसे में हमें स्थायी स्तर पर उत्पन्न मौसमी पदार्थों का ही अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए जिनके लिए पैकेजिंग की आवश्यकता कम रहेगी। विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 26 किलोग्राम सालाना है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से है। जो देश जितना अधिक संपन्न हो है वह प्लास्टिक की खपत भी उतनी अधिक है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत उत्तरी अमेरिका में 90 किलोग्राम, पश्चिम यूरोप में 65 किलोग्राम, चीन में 12 किलोग्राम और भारत में 5 किलोग्राम है। लेकिन भारत के संदर्भ में बुरी खबर यह है कि यहाँ खपत 15% की दर से बढ़ रही है। इसलिए हमें प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल और एक ही प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। आज ही करें शुरुआत। देखो आगे क्या कहते हैं जो हमारे लेखक हैं सुदीप्ता घोष, वो कहते हैं कि हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर भी प्लास्टिक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं। क्लासरूम, स्कूल और घर में झांके तो चिन्हित करें कि कितनी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हैं। ठीक है, आज ही हम प्लास्टिक कम करने की हम शुरुआत करते हैं। अब आप अपने घर के आसपास है ना, घर में, स्कूल में, जहाँ भी आप जाते हैं, बस ये आप चिन्हित करना कि कौन सा चीज़ प्लास्टिक है, क्या हम इसके बगैर रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते, आखिर वो उपयोग में किस काम में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से किस तरह की चीज़ें हमारे भोजन या पेय पदार्थों में सीधे संपर्क में आती है। सोचें कि पिछली बार आपने बिस्किट के जिस पैकेट को खोला था उसके रैपर का क्या किया। ठीक है, पिछले माह आपके परिवार ने जितने पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, पिछले यात्रा के दौरान आपने पानी की कितनी बोतलें खरीदी, उन खाली बोतलों का क्या किया। आप जिस गद्दे पर सोते हैं वह किससे बना है। आप जो कपड़े पहनते हैं वे किस पदार्थ से बने हैं। क्या आप भोजन गर्म करने के लिए किस प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। इन सब को आप चिन्हित करते जाइएगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं सुदीप्त घोष जी कहते हैं कि इस तरह कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मानो यह हमारे भविष्य को नष्ट कर देगा। हमारे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अनेक तरह की बीमारियों ने हमें इसके प्रभाव से अपने कब्जे आगोश में ले लिया है। कैंसर, हृदयाघात, तीव्र ज्वर आदि आज आम हो गए हैं। ये प्लास्टिक या पॉलीथीन का ही असर है। आम आदमी की जिंदगी को प्लास्टिक ने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। आज इस बात की पुरजोर आवश्यकता है कि प्लास्टिक पर रोक लगानी चाहिए। इसके प्रयोग को बंद करके पाबंदी से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि हमारा कल सुंदर और सुनहरा बन सकता है। भविष्य को यदि संवारना है तो प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना होगा और नारा बुलंद किया जाना चाहिए। ना तो पॉलीथीन अपनाएंगे और ना ही पॉलीथीन का प्रयोग किसी को करने देंगे। धन्यवाद।